उस बात उस चीज का तो सोल्यूशन नहीं निकला ना मैडम जो मेरे साथ हुआ है। सर, मैं आपको जन्म बोलूंगी, इस चीज का ये लोग सोल्यूशन निकालते भी नहीं है। तो फिर चलने दो, अगर नहीं देखो अगर बैंक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभाल रहा है तो फिर कस्टमर से भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए बैंक को कि बैंक का पैसा वापस मिल जाए। हेलो, कौन? यस सिद्धार्थ जी। यस से हुज ऑन द लाइन। सिद्धार्थ जी, दिस इज गुंजन फ्रॉम आरबीआई। बोलिए। यस, आप मुझे बता सकते हैं सर, ये कार्ड की पेमेंट में क्या प्रॉब्लम आ रहा है? मैम मेरे पास, मेरे को मेल का रिप्लाई अभी तक नहीं दिया आपके नोडल ऑफिसर ने। क्या कह रहे हैं? आपके नोडल ऑफिसर ने मेरी मेल का जवाब अभी तक नहीं दिया, इतना टाइम निकाल दिया। मेल पे आपका क्या लिखा है आपने, मुझे ये मैंने ऐसा है, मेरे को मारने कूटने की धमकी दी, गाली गलोची हुई जब मैं बेड रेस्ट पे था, है ना, तो मेरे को अरेस्टमेंट किया गया, मेरे को उठवाने की धमकियां दी है। तो अच्छा। ऐसे अगर रिकवरी से पैसा निकलते हो तो निकला क्या? अब दिखाओ, अब तो मैं ठीक हूँ। मुझे तो नहीं लगता। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ ना, करने से हो जाएगा। तो सही, मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर अब मैं उससे करके बताओ अरेस्टमेंट, मैं बताता हूँ क्या क्या होता है। उस टाइम में तो बेड रेस्ट था मैं। करना होता ना, सुनो मेरी बात, करना होता ना, वो हैंड टू हैंड करता है। हाँ तो अब देखो क्या होता है, आप किसके रिप्रेजेंटेटिव हो? आरबीएल के, राइट? बिल्कुल। अब आपके कुछ भी शब्द, चाहे आप मेरे को आप करके बात करो, आप चाहे मेरे को गाली दे रहा हो, वो शब्द किसकी हुआ? बैंक के, क्योंकि बैंक ने आपको किया ऑथराइज, राइट? तो इसका मतलब बैंक ने मेरे को गाली दी है ना? ये चीज आप मानोगे बिल्कुल, कस्टमर के बिहाफ पे तो यही चीज है ना कि जो बंदा है वो आरबीएल का है। हाँ, क्योंकि कोई जैसे कोई जैसे आप हो, आप मेरे को रिश्तेदार तो हो नहीं जो आप मेरे को फोन करोगे। आप एक एम्प्लॉय हो, आप नौकरी कर रहे हो, आपको डेटा बैंक ने प्रोवाइड किया, आपको बैंक ने आपको ऑथराइज किया कि आप इस पर्सन से कॉन्टेक्ट करो कि पेमेंट क्यों नहीं आया, क्या रीजन है? अब आप मेरे को अगर ऐसा गालियां दोगे, मेरे को मारने कूटने की धमकियां दोगे, हरेसमेंट करोगे, तो फिर बैंक की शब्द हुआ तो इसका मतलब बैंक दादागिरी से पैसा निकलाना चाहता है, या तो यही हुआ? बिल्कुल, मैं बताऊँ, बैंक ऑथोराइज जरूर करता है ये थर्ड पार्टी को, पर बैंक ने कभी ये लिख कर नहीं दिया कि कस्टमर को आप गाली गलौज करते हैं। मैम आई नो आरबीआई की गाइडलाइन नहीं बोलती है, बट उन लोगों ने कर दिया ना, पर ऑथोराइज तो बैंक ने किया ना मैडम, तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है ना। सुनो मेरी बात, आपने कम्प्लेन करी, उसका रिस्पॉन्ड अभी नहीं आया, यही तो दिक्कत है। मैंने वो जो जितनी भी कॉल रिकॉर्डिंग थी ना वो मैंने भेजी है, उसपे जो भी एजेंट्स थे उनके मैंने जो स्क्रीनशॉट है नंबर का वो भेजा है, प्लस जो पुलिस कंप्लेंट मैंने की थी वो कंप्लेंट की भी रिपोर्ट भी मेल की है मैंने, बट कोई रेस्पॉन्स ही नहीं है। तो वो ठीक है, चल रहा, चलना तो उसको कोई जवाब दे ही तो बनता है ना। प्रॉब्लम मैं बताती हूँ, सुनो मेरी बात, उनके पास मेल जरूर पहुंची है, देखी भी होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं देखी। पर एक रिप्लाई तो बनता है ना मैडम। सपोज करो उस टाइम मैं बेड रेस्ट पे था, सुनो मेरी बात, मेरी इतनी हालत नहीं थी कि मैं बात भी कर सकूं, उस टाइम में मेरे साथ ऐसी चीजें की गई, अगर उस टाइम मेरे को कुछ हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता मैडम? नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ, जो मैं छोटी सी एक चीज पूछ रहा हूँ आपसे, कि अगर उस टाइम मेरे को कुछ हो जाता, मतलब मैं डिप्रेशन में जाके मेरी अगर डेथ भी हो जाती, तो उसकी जिम्मेदारी बैंक उठाती क्या? सर वो नहीं उठाती, बस ये होता कि कंपनी को टर्मिनेट करती, बस ये रीजन बेस होता है इनका, बस और कुछ नहीं होता है। पन गलत है ना मैडम, टर्मिनेट करने से क्या हुआ? अगर उस टाइम अगर कस्टमर की अगर दे तो फिर क्या कर लोगे आप? वन सेकेंड सर, होल्ड ऑन। यस बोलिए। हेलो। हेलो, हाँ जी, हेलो, वॉइस आ रही सर आपको? हाँ आ रही, आ रही, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, वो एक्चुअली कॉल आ रहा था एक्चुअली। अच्छा, अब देखो मुझे ये बताओ, चीजें तो आप सॉर्ट आउट करोगे, कस्टमर के हैंड में कि कस्टमर कैसा हैंडल करता है, ठीक है? देखो जैसे अभी आपसे मैं बात कर रहा हूँ, आपको मैं लग रहा है कि मैं गलत बोल सकता हूँ, मैं अपने एकदम डिसेंट तरीके से बात कर रहा हूँ, और मैंने आपको चला के आपका फोन आया ना, आपका फोन आया तो मैं स्वयं की बात कर रहा था, बट मैंने आपको चला के वापस लगा दिया। क्यों? क्या हमारी कोई ऐसी इंटेंशन ही नहीं मैडम, हमने कोई जान करके थोड़ी ना डिफॉल्ट किया भाई, इस टाइम कंडीशन नहीं थी तो नहीं कर पाए। कंडीशन मैं मान रही हूँ, आपके पास आपकी मेल डालने के बाद आपके पास आई थिंक तो इतने कॉल्स नहीं आए होंगे, उन्होंने बस ये चीज किया कि इस कस्टमर को कॉल ना करें आप, बस ये चीज कर। नहीं तो उससे क्या होगा? वही चीज है ना कि वो उन्होंने पेमेंट नहीं होगी, बस उसको नहीं 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 आपको एक और चीज बता दूं, एक और चीज बता दूं, कंप्लेंट डालने के एक महीने बाद में भी मेरे पास इस तरीके से फोन आए थे। वही तो मैं बोल रही हूँ आपको कि नहीं, एक महीना उन्होंने गैप कर दिया कि उस बंदे के पास से हट गया वो केसेस, दूसरा कैसे हैंडल करे। हाँ,
वो ये चीज हो गई मतलब, पर उस बात उस चीज का तो सोल्यूशन नहीं निकला ना मैडम जो मेरे साथ हुआ है। मैं आपको जन्म बोलूंगी इस चीज का ये लोग सोल्यूशन निकालते भी नहीं है। तो फिर चलना दो, अगर नहीं देखो अगर बैंक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभाल रहा है तो फिर कस्टमर से भी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए बैंक को कि बैंक का पैसा वापस मिल जाए। देखो सीधी सी बात है, देखो ताली दोनों हाथ से बजती मैडम। बिल्कुल, मैं तो मेरे तो कहने मतलब ये था कि मेरे को अगर उस टाइम कुछ हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता। मेरे घर में कमाने वाला मैं अकेला है, मेरे बिजनेस में लॉस लगे, उस डिप्रेशन के चक्कर में बेड रेस्ट पे पहुंच गया और उस टाइम मेरे को धमकियां दे रहे हो, मेरे ग्लूकोज लगी हुई, मेरे पास फोटोज वीडियो पड़े हैं जब मैं पुलिस, जब मेरे साथ ये हुआ था ना मैं एम्बुलेंस में पुलिस स्टेशन गया हूँ, बाकायदा मेरे पास वीडियो मैंने भेजा है, मैं पुलिस स्टेशन गया वहाँ पे रिकॉर्डिंग हुई, मेरी कंप्लेंट लिखवा रहा हूँ पुलिस वाले को कि ऐसे ऐसे नंबरों से मेरे पास फोन आया, इस बैंक के एम्प्लॉई है मेरे साथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, उनको रिकॉर्डिंग है सुनाई, मेरे पास तो पूरा एविडेंस पड़ा है। आप बोलो। नहीं देखो सर, वो चीज मैं मान रही हूँ कि उनकी गलती है, धाप के गलती है। रिस्पॉन्स नहीं आया, ये चीज मैं भी सोच रही हूँ कि रिस्पॉन्स अभी तक इन्होंने कुछ रिवर्ट नहीं दिया, क्योंकि ये कर ही नहीं सकते सर रिवर्ट, क्योंकि फॉल्ट में ना, क्या करेंगे फॉल्ट में ना, फॉल्ट है तभी तो रिस्पॉन्स नहीं करें। अब फॉल्ट का तो देखो मैम ये तो यही चीज होगी, मैं तो आप मेरे को माफीनामा लिख के दे दो बैंक के लेटर पे कि भाई हमारे एम्प्लॉय ने आपके साथ गाली गलौज करी, आपको धमकी दी, आपको हरेसमेंट किया, तो उसके लिए माफी चाहते हैं, मेरे को माफीनामा लिख के दे दो आप, फिर अपन देखते हैं इसको कैसे क्लोज करना। माफीनामा बैंक आपकी देगी नहीं, माफीनामा आपकी बैंक देगी नहीं, समझ रहे हो ना, क्योंकि मैं नहीं समझदार है। अरे मेरे को सब पता है मैडम, मेरे को सब पता है, मेरे को सब पता नहीं था, पर इन जैसे आपकी जो एजेंट एजेंटों ने जो हरकतें करी ना तो उससे क्या होशियार हो गए हम, क्या गिराक हो गए आप जागरूक, समझ रहो। तो क्या अभी चीजें पता नहीं थी, पर अब पता चल गई क्या होती है, आरटीपी क्या होती है, एनपीए क्या होता है, आरटीपीटी क्या होता है, सब पता चल गया एबीसीडी। अब मेरा तो सीधा सही है मैडम, आप या तो मेरे को माफीनामा लिख के दे दो, फिर अपन इसका देखते हैं कैसे क्लोज करना क्या है, देखेंगे बाद में। आवाज आ रही मेरी? हेलो हेलो,